हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में और अनन्या कांजीलाल के बारे में, यानी कि आपके प्यारे दुलारे अरुदीप के बारे में। फ्रेंड्स, उनका जो नया शो होने वाला है बांग्लादेश में होने वाला है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आ गई हूँ। विलियन चॉकलेट इवेंट की तरफ से हाल ही में दो पिक्चर्स अपलोड किए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि अब जो 12th मई का शो है वो पवनदीप और अरुणिता का शो होने वाला है बांग्लादेश ढाका में। ओके, और फ्रेंड्स इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ दो एक दो दिन पहले ही बताया था कि जो ग्रेप वाइन निकल कर आ रही है, सुनती सुनती आ रही हूँ बात या उड़ते हुए कोई खबर आ रही है, तो वो ये आ रही है कि 12 तारीख को होने वाला है और 12 जून की खबरें आ रही हैं। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये ग्रेप वाइन है, कन्फर्म्ड नहीं है। जैसे ही कन्फर्मेशन आता है वो अलग से स्टोरी बनाकर आपके सामने लेके आऊंगी। और जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन थोड़ी देर में मिल गया था, मैंने कहा कि नहीं भाई, 12 जून नहीं 12 मई है, तो 12 मई बस आ गया है और क्या। सो इसी के लिए दोनों के दोनों जो है वो बांग्लादेश के दर्शन करने के लिए और वहां पर अपने सुरों का जादू बिखेरने के लिए पहुंचने वाले हैं। ओके, या क्या पता भाई, जब तक आप ये स्टोरी देख रहे तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे। अब हुआ ये है कि इनके जो बैंड मेंबर्स हैं, इनकी तरफ से अलग अलग अपडेट्स आए हैं, जिसे देखकर बड़ा मजा आता है। एंड बड़े मस्ती से ये लोग ढाका की तरफ इनकी जो बोलते हैं फ्लाइट निकल रही है, और गुड वीडियोस, गुड पिक्चर्स। फ्रेंड्स, अब एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है, बांग्लादेश में पवनदीप अरुणिता के चाहने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जहां तक बात है बांग्लादेश की, तो वहां पर जो भाषाएं चलती है वो बांग्ला प्रमुख रूप से चलती है, और पवनदीप को बांग्ला भाषा के गाने आते हैं, ये हम और आप देख चुके हैं। और जहां तक बात है अरुणिता की, तो वो तो है रॉयल बंगाल टाइग्रेस, तो टाइग्रेस जब अपनी आवाज से लोगों को प्रभावित करेगी वो देखने में मजा आएगा। जहां तक मुझे मालूम है इट इज अ प्राइवेट शो, सो हो सकता है हमें लाइव देखना ना मिले, लेकिन यार क्रॉसिंग द फिंगर्स। चॉकलेट पाई भाई साहब, इतना सा तो लाइव दिखा दिया करो यार, मतलब मन में शांति हो जाती कि हाँ हाँ सुन लिया, आ गया, हमारे दिन भर का कोटा थोड़ा सा पूरा हो गया। तो रिक्वेस्ट किया जा सकता है आयोजकों से और चॉकलेट पाई और विलियन चॉकलेट इवेंट से कि थोड़ा सा ही सही लेकिन लाइव दिखाएंगे तो सर्टनली बड़ा अच्छा लगने वाला है। चलिए, सफर की शुरुआत हो चुकी है, एक बार फिर से विदेशों के चक्कर लगना शुरू हो चुके हैं, तो ऑल द बेस्ट कह दीजिए। जय हिंद।